हेलो गाइज, नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर और मेरा नया शो आपका राय में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा विषय पर जिसे सुनकर हमें डर लगता है, लेकिन वो सच्चाई है। इस दुनिया का ये हर किसी के जीवन में ज़रूर आता है, वो है मृत्यु। जब इस धरती पे कोई जन्म लेता है तो उसका मृत्यु जरूर होता है, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है या फिर कहिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और या तो फिर कहिए ये प्राकृतिक का नियम है। तो इसी मृत्यु के बारे में हम कैसे बचेंगे ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो भी है इसकी गहराई, जो सच्चाई, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। मुझे जो जानकारी है वो आप सबके आगे मैं रखूँगा। अगर मैं कहीं गलत या सही हूँ, आप लोग अपना राय मेरे कॉमेंट पर भेज सकते हो। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। मृत्यु के बारे में विश्लेषण करूंगा, क्योंकि जीवन के बारे में तो शायद मैंने इससे पहले भी वीडियो बहुत सारे बनाया, लेकिन आज मृत्यु। तो मृत्यु एक ऐसा शब्द है, सुनने से भी हमको मतलब अलग सा फीलिंग हो जाता है, महसूस होता है। तो ये मृत्यु है। मान के चलो हम ऐसे बैठे हुए हैं और अचानक से खबर आता है कहीं से कि हो गया, डेड हो गया कोई, तो हमें ख़राब लगता है, अलग ही फीलिंग हो जाता है दिलो दिमाग में। तो अब मृत्यु, इसके बारे में थोड़ा हम लोग विश्लेषण करेंगे, क्योंकि क्यों होता है मृत्यु, किस लिए होता है और कैसे होता है, हम डिटेल्स, मुझे जानकारी है, मैं आप सबको बताऊंगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर गलत हूं तो आप, जैसे कि सदियों से चलता आ रहा या फिर कहा जाता है कि जो धरती पर जन्म लेता है वो जरूर मृत्यु भी होता है, यानी कि मरता है। जो जन्म लेता है वो मरता है, प्राणी है ना, जो प्राणी धरती पर जन्म लेता है वो मरता जरूर है। और का ऐसा सीमा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा या फिर कथा है या बड़े बुजुर्ग कह गए कि एक उम्र का सीमा होता है कि आप इतने साल के बाद मरोगे, है ना। ये कहाँ तय होता है, क्या होता है, इसके बारे में मुझे डिटेल्स में मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी एक समय निर्धारित होता है। कहते हैं सत्ययुग आगे पहले जो थे वो तो 150-200 साल तक भी जीते थे, तब के लोग ऐसा बोलते हैं। और आज भी हमें कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि 100 साल तक कोई जी रहा है, तो बहुत अलग ही महसूस होता है, वाह 100 मतलब अनुमान लगा लेते हैं कि हम 100 साल तक हम लोग जी सकते हैं, उसके बाद हमें मरना ही है, क्योंकि हमने जन्म लिया है, जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं। समय हो गया हो जब भी, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप पूरे जीवन आपने जी लिया, बचपन, जवानी, अधेर, बुढ़ापा, उसके बाद आपका मृत्यु आ रहा, ऐसा नहीं होता है। आप सबको मालूम है जो जन्म लेने के थोड़े कुछ क्षण के बाद भी कोई मर रहा है, मृत्यु हो जाता है। और इतने कि 100% जहाँ तक हम सोच रहे कि 100 साल जी सकता है वहाँ तक नहीं भी पहुँचेगा। अब इसका क्या कारण हो सकता है, अब हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि विधि का विधान होता है, लिखा हुआ होता है कि आपका मृत्यु कब होगा। और मैं विधि के विधान को टाल नहीं सकता और मैं भी मान लेता हूं कि हमारा सबका एक निर्धारित समय मृत्यु का लिखा हुआ है, तब तक ही हम जिएंगे। अगर मान के चलो हमारा उम्र, जैसे आम इंसान के ऊपर इतना ही जानकारी होता है कि जब बुढ़ापा होता है तो मृत्यु आ जाता है 70, 80, 90 साल, 100 साल तक, लेकिन अगर जवानी में कोई मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं, है ना। अगर जवानी में, क्योंकि उसका पूरा उम्र बिताया नहीं और उससे पहले वो मर गया, इसलिए उसको अकाल मृत्यु भी कहते हैं। या फिर कभी कभी एक्सीडेंट होके जिनका मृत्यु होता है, दुर्घटना होके, उसको भी अकाल मृत्यु ही कहते हैं। जो उनका एक, अब मृत्यु ऐसा शब्द है, ऐसा दुनिया का सच है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है या फिर मान लेना होता है। हम सोच लेते हैं कि हमारा एक दिन मृत्यु जरूर होगा, अब उस मृत्यु को सोच के हमको उदास नहीं होना है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का जो
दैनिक कार्य है उसे भी निभाना पड़ता है। जब तक हमारा समय ना आए हमको मान के अपना जीवन का कार्य जो भी है उसे करते रहना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ही चीज में हमें बीच बीच में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। खतरा है, डर लगता है, मुझे भी पता करेंगे ना तो हमारे मन से डर थोड़ा निकल जाता है। जैसे साधु संत लोग बचने का कोई उपाय है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, अकाल मृत्यु ना हो इसका उपाय हमारे पास है कि हमने जैसे सोच लिया है कि हम 100 साल तक जी सकते हैं तो हमें अकाल मृत्यु बीच में ना आए इसका रोकथाम हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अकाल मृत्यु का मतलब होता है उम्र का निर्धारित समय पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाना। जब भी होता है उसका कुछ कारण होता है, बिना कारण का मृत्यु नहीं होता है। जन्म होने का कोई कारण नहीं है, जन्म होना ही रहता है कि इस कारण ये वजह से वो जन्म होगा तो, लेकिन मृत्यु का एक कारण होता है। इंसान सुबह पता चलता है कि वो बिस्तर में ही मर चुका है तो रात को उसको बहुत तकलीफ हुआ होगा, बहुत पीड़ा हुआ होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा क्योंकि हम सभी उस समय सोए हुए थे। तो ऐसा नहीं होता है कि बिन कारण किसी का मृत्यु हो, मृत्यु होने का भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। हो सकता है कोई लंबा बीमारी से जूझ रहा हो सकता है कोई 2 दिन का बीमारी हो जिससे मरा। तो आजकल तो बहुत सारे बीमार है, हार्ट अटैक हो गया, प्रेशर स्ट्रोक हो गया, इस तरह का बहुत सारे बीमारी है जिससे मृत्यु हो जाता है। हमारे जीवन के बीच में ही मृत्यु हो जाता है इन बीमारियों की वजह से, तो ये एक कारण होता है, लेकिन उनका समय वहीं तक रहता है ये हम मान लेते हैं। जब भी किसी का मृत्यु होता है या फिर अकाल मृत्यु कहे या फिर उम्र से पहले मृत्यु हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि उनका समय वहीं तक था, विधि का विधान, विधि ने वहीं तक उनका उम्र लिखा हुआ था, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये दुनिया का सच्चाई है, आप जन्म लिए हो इस दुनिया में तो मृत्यु आना ही है, मृत्यु होना ही है। तो आशा करता हूँ मैं जितना जानकारी जानता था आप सबके सामने मैंने रखा, अगर सही था मैं तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा।